मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को मलाजखंड पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में लगभग 208 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को विभिन्न सौगातें दीं। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। हमने तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो लखपति बनकर पैदा होगी। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश की धरती पर आज 45 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने तय किया कि बहनों के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर केवल 1% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश में इस समय 45% संपत्ति की रजिस्ट्री बहनों के नाम पर हो रही है। शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए लाडली बहना योजना को क्रांतिकारी योजना बताया। मेरा मकसद महिलाओं को लखपति क्लब में लाना है। प्रदेश भर में 1,25,00,000 महिलाओं के आवेदन स्वीकृत हुए हैं। बालाघाट जिले में 3,41,000 महिलाओं के फॉर्म स्वीकृत हुए हैं। योजना के तहत 10 जून को शाम 6 बजे के बाद में सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 1,000 रुपये की राशि डालूंगा। ये राशि बैंक खाते में 11 जून को पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जो बच्चे 12वीं पास हैं या बीए आईटीआई उत्तीर्ण करने के बाद बेरोजगार हैं, उनके लिए प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू कर रही है, जिसके पंजीयन 15 जून से शुरू होंगे। इसमें आवेदक को विभिन्न संस्थाओं में न सिर्फ काम सिखाया जाएगा बल्कि काम सीखने के बाद उन्हें वहां नौकरी भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहना योजना के बाद जल्द ही सरकार लाडली बहना सेना बना रही है, जिसके तहत छोटे गांवों में वहां की 11 महिलाएं और बड़े गांवों में 21 महिलाएं सेना में शामिल होंगी, जो स्वसहायता समूह योजना, कन्यादान योजना, लाडली बहना जैसी योजनाओं की देखरेख स्वयं करेगी। बालाघाट मध्य प्रदेश से मनीष गर्ग की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।